नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के एक शादी समारोह में मधुमक्खियों ने मचाया आतंक। एक दर्जन से ज़्यादा मेहमान हुए घायल, दो को आईसीयू में कराना पड़ा एडमिट। मध्य प्रदेश के गुना में मधुमक्खियों के आतंक की वजह से शादी समारोह में शामिल होने आए कई मेहमान घायल हो गए। दो की हालत ज़्यादा गंभीर है, उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के गुना में मधुमक्खियों के आतंक ने शादी समारोह में हड़कंप मचा दिया। इस हमले में न केवल कई मेहमान घायल हुए बल्कि दो मेहमानों को तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक होटल की छत पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था जिसने वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना शहर के एक मेरिज गार्डन में शादी का समारोह चल रहा था, इसी दौरान मधुमक्खियों ने मेहमानों पर अचानक हमला बोल दिया जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग हमले से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना में वर वधु पक्ष के एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। को बताते चले, मिली जानकारी के मुताबिक शहर कस्तूरी गार्डन में पुराना गल्ला मंडी की रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की बेटी की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए मेहमान मेरिज गार्डन में पहुंचे थे। शनिवार को शादी के कार्यक्रम चल रहे थे, इसी बीच अचानक दोपहर में मधुमक्खियों ने शादी में आए मेहमानों पर हमला बोल दिया। दुल्हन के पिता प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि गार्डन में मधुमक्खियों के 20 से 25 छत्ते लगे हैं। गार्डन संचालकों से कहा भी था कि इससे कोई घटना हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे में ही शादी करनी पड़ेगी। शनिवार को मधुमक्खियों ने मेहमानों पर हमला कर दिया। उनके हमले में दो पक्षों के कई मेहमान घायल हो गए। चार मेहमानों को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा जिससे दो को तो अभी आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा है। वधु पक्ष का कहना है कि शादी समारोह होने के बाद मामले की शिकायत करेंगे। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज।